जय हिंद दोस्तों। कैसे सरकार और सेना के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ओआरओपी वन में जो नुकसान हुआ है जेसीओआर को, ओआरओपी टू में भी वही नुकसान हुआ है। कैसे पेंशन निर्धारित की गई इसकी एक टेबल दिखाएंगे कि पेंशन में कैसी विसंगतियां पैदा की। पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट किया गया है ओआरओपी वन और टू का एरियर, कैसे ओआरओपी वन और टू की टेबल बनाई गई है। तो पैसे पहले तो सरकारी जो कैलकुलेशन है सेना के उच्च अधिकारियों को कैसे कैलकुलेट करके दिया गया है, और सेना के निम्न जो जेसीओ ओआर है उनको कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो पहले तो कैलकुलेशन एक टेबल है, उसमें बताते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लिया गया है, इसको मैं दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि सेम चाहे जेसीओ हो, चाहे ओआर हो, चाहे सिपाही हो या सूबेदार मेजर हो, सबकी सेम कंडीशन से ही पेंशन कैलकुलेट की गई है। तो इसका पेंशन कैलकुलेट का फार्मूला होता है 10 महीने का एवरेज जोड़ा जाता है। 10 महीने का एवरेज एक फार्मूले से बताते हैं कैसे जोड़ा जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज किया जाता है 10 महीने की आपकी पेंशन का, 10 महीने की सैलरी का एवरेज किया जाता है। मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है, 10 महीने का एवरेज निकाला जाता है। अगर सर्विस 17 साल की है और 10 महीने का एवरेज अगर पीरियड देख लें, अगर आपकी जो टोटल सैलरी बनती है 4 लाख रुपए 10 महीने की बन रही है, तो आपकी एवरेज पेंशन हो जाएगी 4 लाख/10। इसके बाद 50% आपकी पेंशन बनती है जो कि 40,000/2 यानी कि 20,000 रुपए पर मंथ आपकी पेंशन बनेगी। लेकिन इस फार्मूले से ये मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज है, एवरेज से आपकी पेंशन में कमी आई है और इसमें जेसीओ ओआर की जो मांग है वो मैक्सिमम पर हमारी पेंशन फिक्स की जाए, ये मांग है। अब हम टेबल टेबल दिखाते हैं आपकी टेबल के हिसाब से पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और ऑफिसर की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो टेबल देखते हैं। तो उस टेबल में आप देखेंगे ओआरओपी वन की टेबल है, ओआरओपी टू का भी आंकड़ा देंगे। पहले तो ओआरओपी वन में आप देख सकते हैं कैसे भेदभाव हुआ है। सिपाही जो 17 साल सर्विस करता है उसको 22% की बढ़ोतरी हुई थी ओआरओपी वन में, लेकिन ओआरओपी टू में जब देखेंगे तो बहुत बड़ी कमी आई है इसमें, जो 22% से बहुत कम पेंशन बढ़ी है। इसके बाद नायक की अगर पेंशन देखें, 22 साल सर्विस करता है 9% बढ़ी थी ओआरओपी वन में। इसके बाद हवलदार की 6% बढ़ोतरी हुई थी, नायब सूबेदार को 11% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जैसे ही ओआरओपी टू में आएंगे तो क्या खेल किया गया है बड़े अधिकारियों द्वारा वो भी दिखाएंगे। नायब सूबेदार जो हैं उनको 4% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो 7.8% का एवरेज लिया गया है। इसके अभी सूबेदार का देख लेते हैं, 2.5% की सूबेदार मेजर की, 6% की और ऑनरी लेफ्टिनेंट की 4%, ऑनरी कैप्टन को 6% की बढ़ोतरी हुई। ये अगर एवरेज निकाला जाए तो 7.8% जेसीओ ओआर मिला के बढ़ोतरी हुई है। अभी ऑफिसर की देखेंगे, जो लेफ्टिनेंट से कोई ऑफिसर रिटायर्ड नहीं होता है और ना ही 32 साल सर्विस करते हैं, उनका एक बेवकूफ बनाने के लिए आंकड़ा दिया है कि केवल 4% की उनकी बढ़ोतरी हुई है। जब कोई लेफ्टिनेंट से रिटायर ही नहीं होता है सेना का कोई ऑफिसर, तो फिर उनकी पेंशन 4% ये दिखाने के लिए किया गया है। इसी तरह से कैप्टन को भी दिखाया गया है 6%, ये भी कैप्टन 32 साल नौकरी करके, कोई ऐसा कैप्टन नहीं होगा जो 32 साल नौकरी करके रिटायर होता हो, आप बिल्कुल ये झूठ बताया गया है, जो कि ये दिखाने के लिए किया गया है कि जेसीओ ओआर ये देखें कि लेफ्टिनेंट की कितनी पेंशन बढ़ी है और कैप्टन की कितनी बढ़ी है। अब जो मेन रैंक आ जाती है जिनकी जो रिटायर होते हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन कोई रिटायर नहीं होता, मिनिमम मेजर रैंक से रिटायर होते हैं, 33 साल जब सर्विस करते हैं तो उनकी 31% की बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी भारी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल 33 साल सर्विस करते हैं वो 32% उनकी बढ़ोतरी हुई है, और कर्नल की जो बढ़ोतरी हुई है वो 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद ब्रिगेडियर की जो बढ़ोतरी हुई है 29% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें अब आप देख सकते हैं एवरेज अगर किया जाए तो 30% की, 30.5% की बढ़ोतरी हुई है, ये ऑफिसर की है, और मात्र 7.8% की बढ़ोतरी हुई है ओआरओपी वन में। ये ओआरओपी वन का आंकड़ा है, जबकि आपको पता है ओआरओपी का मेन पर्पज है
कि जेसीओ वार को जो मैक्सिमम है, मिनिमम जो रिटायर होते हैं, कम सर्विस करके रिटायर होते हैं, तो उनको ओआरओपी का बेनिफिट देने के लिए ओआरओपी लागू किया था। लेकिन आप आंकड़े देख सकते हैं कि कैसे ही 30% बढ़ोतरी अफसर की होती है और 7.8% की बढ़ोतरी जेसीओ जवानों की होती है। यानी कि ओआरओपी वन में भी जितना बेनिफिट था, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफिसर ले गए। अभी देखते हैं जो दूसरा आंकड़ा दिया है, समान रैंक समान पेंशन ओआरओपी टू जो लागू हुआ है जुलाई 2019 से, इसमें सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन और पेंशन निर्धारण में पे मैट्रिक्स लेवल अपनाने से कुछ रैंक की पेंशन कम कर दी गई है। यानी कि कुछ रैंक जो जेसीओ वार के रैंक हैं, नायब सूबेदार, सूबेदार ऑनरी, कैप्टन ऑनरी, लेफ्टिनेंट, इनकी पेंशन कम कर दी जो ओआरओपी वन में मिल रही थी। वैसे भी ओआरओपी वन में देखा आपने 4% 6% की बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद भी वो जो बढ़ोतरी हुई थी उसको रिकवर कर दिया, यानी कि वो बराबर सेम कर दिया, आपको जो बढ़ोतरी हुई उसको बराबर कर दिया। यानी कि ओआरओपी बढ़ने और ना बढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ ओआरओपी लागू होने का, क्योंकि जो बढ़ी थी ओआरओपी टू में उस बढ़ोतरी को भी खत्म कर दिया जो 4% बढ़ी थी। इसके बाद समान मिलिट्री सर्विस पे पर भी बताया गया है कि इसमें भी भेदभाव जो उपजा है, जो जेसीओ ओआर है उनको ₹5,200 दिया जाता है और जो अधिकारी वर्ग है उनको 15,500 दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जेसीओ ओआर को सबसे ज्यादा 97% रिस्क है और जो ऑफिसर हैं उनको बहुत कम रिस्क है, नाम मात्र का रिस्क है, उसके बाद भी उनको एमएसपी ज्यादा दी जाती है। एमएसपी रिस्क फैक्टर के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए, ना कि रैंक वाइज एमएसपी निर्धारित होती है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।